अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज व्यूअर्स आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं दुबई के लेबर लाइफ के बारे में, जो भाई पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे जो लेबर में काम करते हैं और जो लेबर कैंप में रहते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताएँगे और उनके साथ भी मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कराएँगे कि वो लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे व्यूअर्स ज़्यादातर जो होता है, जो लेबर कैंप बना रहता है लेबर एरिया का, गवर्नमेंट की तरफ से अलग एक एरिया में जो सिटी से एक साइड में होता है और मतलब अच्छे से कैंप बनाया रहता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो आज चलते हैं उसी तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को भी, और आप लोगों को उनसे भी मिलवाते हैं और उनसे भी पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे गुजर रही है उन लोगों की ज़िंदगी। और आप लोग भी जानिए कि यहाँ में लेबर के बारे में और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में। तो व्यूअर्स अभी इस तरफ ये आ गए, अल शमसी लेबर कैंप है इसमें, तो अब चलते हैं अंदर भी दिखाते हैं आप लोगों को कैंप भी कि कैसा रहता है यहाँ का लेबर कैंप। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरफ पूरा लेबर कैंप है, सब रूम बने हुए लाइन पे और बाहर बैठने के लिए सोफा वगैरह ये सब रखे हुए हैं। और ये आगे भी इस तरफ है, चलते हैं आगे भी। ये है इस तरफ की गली और यह इस तरफ गली। ये एक भाई आ रहा है, इससे भी मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत है, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। कहाँ से सर आप? मैं पाकिस्तान से हूँ सर। पाकिस्तान से जी। अच्छा, पाकिस्तान। और क्या जॉब करते हैं यहाँ पे? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर। हाँ जी, ड्राइवर। कंपनी में या घर के ड्राइवर? नहीं, मैं घर का हूँ। अच्छा, और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मेरा इधर दुबई में तकरीबन 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। और इधर ही रहते हैं आप कैंप में? हाँ, ये हमारा कैंप है, इधर रहते हैं। और जब से आए थे तब से ही ड्राइविंग जॉब कर रहे हो या पहले? नहीं सर, पहले जो मैं काम करता था लेबर था, 2011 में मुझे लाइसेंस मिला। 2011 से बाद में जो है ड्राइवर का जॉब कर रहा हूँ। ड्राइवर का जॉब कर रहे हो। और कितना सैलरी है सर आपका ड्राइविंग का? यार अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ गुजारा हो जाता है 2500 तक के। अच्छा, और ये जो लेबर का टाइम था उस टाइम में कितना रहता था? उधर तकरीबन वो थे तनख्वाह के हिसाब होता था 650 होता ना। अच्छा, बाकी और टाइम लगा? बाकी और टाइम होता था तकरीबन 1200-1300 तक मान जाता था। ठीक है सर, और इजाज़त हो आपकी तो आपके रूम में आते हैं और दिखाते हैं। आओ सर। तो व्यूअर्स अभी चलते हैं अंदर भी, इस भाई के रूम में चलते हैं और देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं अंदर रूम में इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सर जी? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। अच्छा, और कहाँ से सर आप? पाकिस्तान पेशावर से। और क्या काम करते हैं भाई आप यहाँ पे? या जी, हम वाईफाई दसरात का काम भी करते हैं और केबल सेवा का काम भी करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं, साइट परमेंट का काम भी करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और आज़ाद काम जो मिलते हैं, हमारी कंपनी का काम रुक जाए तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, आज़ाद बाद में बाहर भी काम कर सकते हो? हमारा तकरीबन 3 साल हो गया इधर। एक्सपीरियंस इमारत का कानून बहुत एक नंबर चलता है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये है इनके रूम का जो बाहर का एरिया है और ये है इनका अंदर रूम। अभी जा रहे हैं अंदर भी। आपका नाम सर? मेरा नाम गुलजादा। अच्छा गुलजादा भाई, कहाँ से आप? पाकिस्तान। अच्छा, और क्या जॉब करते हैं आप? मैं तो इधर टैक्सी ड्राइवर। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर। कितना अर्सा हो गया सर आपको यहाँ पे इमारत में? इधर तकरीबन 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। 5 साल से ही टैक्सी ड्राइवर हो या पहले कोई और जॉब करते थे? नहीं, पहले तो ड्राइवर नहीं था ना, बाद में लाइसेंस लिया तो बाद में। पहले क्या काम करते थे जब फर्स्ट टाइम आए आप? फर्स्ट टाइम आया तो यही केबल वगैरह, केबल पोलिंग यही काम करता। अच्छा, और अभी टैक्सी ड्राइवर में जॉब करते हो? अभी टैक्सी में। अच्छा, और कैसी है टैक्सी ड्राइवर की जॉब यहाँ पे? बस पहले तो सही था यार, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से जो है ना हालात थोड़ा ख़राब हो गया। अच्छा, तो अभी जॉब करते हो आप? अभी तो 1 महीना हो गया स्टाफ किया हुआ है। स्टाफ किया तो मतलब आगे इरादा है या मतलब जॉब चेंज करोगे? इरादा नहीं है, टैक्सी में नहीं है, अभी जॉब चेंज करेगा। अच्छा, दूसरे किसी जगह में ड्राइवर का जॉब? दूसरी किसी जगह में कोशिश करेगा इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ओके सर, ओके। तो ये है भाई की चारपाई
बिल्कुल दूसरी मंजिल पे। कैसा लगता है सर यहाँ पे रह के? बहुत ज़बरदस्त, अच्छा मज़ा आ रहा है यार, देखो बिल्कुल एसी के करीब में ये है ना, एसी के करीब, हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा होता है ना। अच्छा, और कितने आदमी रहते हैं भाई एक रूम में? इसमें तकरीबन 8 आदमी रहते हैं। 8 आदमी रहते हैं, सब डबल स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है बस। चलो सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा व्यूअर्स, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं जो लेबर्स कैंप एरिया है, उस एरिया में जितना भी इंसानी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे टी शर्ट और पेंट और जूते वगैरह और मोबाइल एसेसरीज़, सब चीज़ जो है मार्केट से यहाँ बहुत सस्ते दामों में मिलती है। 5-10 रुपये में हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाती है, और यहाँ के जो लेबर है वो यहाँ से ही सब चीज़ परचेस करते हैं, और बहुत अच्छी दाम में और सस्ती दाम में सब चीज़ें यहाँ पर मिलती है। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हो, ये जितने टी शर्ट ये सब जो है 10-10 दरम की ये चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे, और बहुत सस्ती कीमत में। ये जैसे इस तरफ एक भाई जो है मोबाइल एसेसरीज सेल कर रहा है, ये जितने भी मोबाइल एसेसरीज है सब सस्ते दाम में 5-10 दरम में मिल जाती है। तो व्यूअर्स, ये यहाँ पे जो है बिल्कुल नेचुरल मिल रहा है, बाहर जैसे मार्केट से फ्रीजन मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल ज़िंदा है, और उसी टाइम में अगर ज़िंदा लेके चाहो या इधर ही ज़बह करो तो ये भाई इधर बिल्कुल फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो, कितने केजी है? ठीक है। एक कितने का है? एक पीस 16 का है। कितने का? 16 दरम है। अच्छा, 16 दरम का है, तो काट के देते हो या ऐसे? काट कर किया देते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आप? हम बांग्लादेश का है। अच्छा, कैसे ज़िंदगी इधर हमारा में? अच्छी ज़िंदगी भाई, बोबस जीवन तो कैसे आपको मालूम है, पूरा माँ बाप भी बच्चे हम लोग, हम लोग को कैसा है ज़िंदगी, ऐसे ही ज़िंदगी तो ऐसा गुजर रहा है ना ज़िंदगी। अच्छा, ये एक भाई खड़ा है सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर जी? ठीक ठाक। सर आप? पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हैं सर आप? इधर काम कर रहा हूँ, गाड़ी है साथ में, स्क्रैप का काम कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रैप का, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, थैंक यू। तैयार, ये पूरा मार्केट लगा हुआ है, ये यहाँ पे फ्राइडे पे लगता है सब चीज़। कितने का है भाई एक पेंट? एक कितने का है? एक दरम। फाइव दरम। अच्छा, फाइव दरम में टी शर्ट वगैरह सब। और ये कैप कितने का है? कैप 3 दरम। अच्छा, और शूज? 5 दरम। 5 दरम, सब चीज़ 5 दरम में। अच्छा व्यूअर्स, जैसे आप देख सकते हो सब 5-5 दरम में और 10 दरम में सब चीज़ें। अच्छा, तो ये भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? आई एम फाइन। Fine? Iowa. Where are you from? Very good. Where are you from? Iowa. Nigeria? Nigeria. Oh, Ghana. Iowa. Ghana. Yeah. Ghana. Iowa. फ्रेश सब्जी भी बीच में मिल रही है, सब चीज़ फ्रेश पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मिर्ची, आम, केला, सब चीज़ है। सही वर्ड्स, लेबर्स इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो, ये पूरा लेबर कैंप है। ये जितना भी है आगे तक पूरा लेबर कैंप है, ये एक गली इस तरफ बनी हुई है, दोनों तरफ रूम बने हैं, बाहर इन लोगों के कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाले हैं, और ये सोफे रखे हैं शाम के टाइम में बैठने के लिए, शाम के टाइम में बाहर निकल के यहाँ पर बैठते हैं। और ये इस तरफ पूरा कैंप है, ये जितने भी सोफे वगैरह बाहर पड़े हैं, ये हर रूम वाले ने बस अपने अपने जो है बाहर निकाल के रखे हुए हैं बैठने के लिए। जैसे कि इस तरफ आप लोग देख सकते हो पूरे कपड़े वगैरह अपने सुखाने के लिए, बस यहाँ की ये ज़िंदगी है। तो यहाँ की ये ज़िंदगी है, और अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूसरी दूसरी कंट्रियों से है, तो इमारात की ज़िंदगी उस लिहाज से बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त है, और लेबर के हक़ में बहुत अच्छी है। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ की लेबर लाइफ, और कैंप भी आप लोगों को दिखाए, और यहाँ पे जो सामान मिलते हैं वो भी आप लोगों को दिखाए, यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत सस्ते में सामान मिलता है, जैसे आप लोगों ने देखा 5-5-10 दरम में सब चीज़ें मिल जाती है, और लेबर कैंप की जो ज़िंदगी है
उसको बाहर जो यूएई में, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत मतलब ज़बरदस्त मार्केटें भी हैं, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए और सस्ता, मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को मतलब कुछ नहीं बोलता है सेल करने के लिए, कि यहाँ जितने भी है लेबर लोग रहते हैं तो वो लोग आसानी से ना उन लोगों को दूर जाना पड़ता है और ना ही मतलब बाहर बाज़ार मार्केट जाने के लिए उन लोगों को आसानी रहती है, इधर पास में ही और बहुत सस्ते दामों में उनको ये चीज़ इधर कैंप के पास में ही मिल जाती है। और दूसरा दोस्तों ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, जो यूएई का गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जो लेबर कैंप्स है उनको, और एक अलग एरिया में उनको कैंप्स देती है और बहुत ज़्यादा सहूलतें देती हैं लेबर कैंप को, और बहुत लेबर का सपोर्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट से है, बहुत सपोर्ट है लेबर का और अच्छी ज़िंदगी है यहाँ की लेबर की। जैसे अगर दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें यहाँ की ज़िंदगी को, तो दूसरे मुल्कों से जो यूएई की ज़िंदगी है बहुत अच्छी है लेबर की, और बहुत सुकूनफुल ज़िंदगी होती है यहाँ की। और दूसरी एक बात, जैसे मतलब पहले थोड़ा तकलीफ़ रहती थी जो मतलब सैलरी का या इस चीज़ों का अगर कुछ इशू रहता था पहले, ज़्यादातर कंपनियाँ जो थी, ज़्यादा कंपनियाँ तो ठीक थी मतलब टाइम से सैलरी देती थी, लेकिन ज़्यादा कोई कंपनियाँ ऐसी होती थी जो लेबर की सैलरी जो है टाइम पर नहीं देती थी। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है यहाँ का यूएई का, उसने जितनी भी जो कंपनी है उनका सब ऑनलाइन और बैंक सिस्टम कर दिया है सैलरी का, कि महीना पूरा हो कंपनी का काम हो नहीं हो तो वो जो गवर्नमेंट है उसका सैलरी जो है लेबर का उसका अकाउंट में बैंक में डाल देते हैं। तो इसलिए बहुत आसानी है लेबर के लिए और बहुत सपोर्ट और बहुत मतलब केयर करती है यहाँ की गवर्नमेंट जो है उसका लेबर का। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा आज का ब्लॉग, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सपोर्ट कीजिए हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।